आज हम बनाने वाले रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का ये ऑयल फिल्टर का पुलर। तो ज़्यादातर मैकेनिक भाइयों को ये इसके पुलर की प्रॉब्लम आती है, तो ये जस्ट बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा। और किसी बायर को भी बनाना हो, ओनर को भी बनाना हो तो बना सकता है। इसका कॉस्ट बहुत हमें 50 से 100 रुपये के आजू बाजू हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे बनाते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए स्प्लेंडर की चेन, दिखा देता हूँ इस तरीके से। स्प्लेंडर की जो पुरानी वाली चेन होती है, जो चेन चक्का ख़राब हो जाती है, वो जो उसको निकालने में आता है वो हमें काम आ सकती है। तो इसे लेंगे, और चाहिए ये बाइक का स्टेयरिंग का पाइप। हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सीधा वाला पाइप लेके इसे काटना है। और पहले ये पाइप के अंदर स्ट्रेट पाइप में आप एक बार रोड डाल के देखिए, चेन डाल के देखिए कि चेन यहाँ से इजीली जाकर दूसरी साइड से बाहर निकल जानी चाहिए। ओके, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ मैंने कूलर कैसे बनाया है। मैंने बना कर रेडी रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका डेमो भी दिखाऊँगा खोल के। ये देख सकते हो ये कूलर है। तो मैंने यहाँ से चेन के कड़े वेल्ड किए हैं, स्प्लेंडर की चेन है, और यहाँ से चेन एक साइड से अंदर डाल दी है इस तरीके से, देख सकते हो। तो अब मैं इसे मदद से ये कूलर खोल के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इस चेन को इस तरीके से हमें यहाँ लगाना है और इसे खींचना है हल्का सा चेन को, ताकि ये चेन यहाँ पर लॉक हो जाए। देख सकते हो ये लॉक हो चुकी है। अब इसे टाइट करना हो तो इस तरीके से खींच के, इस फिल्टर को अगर टाइट करना है तो हमें इस तरीके से टाइट करना होगा। देखिए ये टाइट हो रहा है। इसे खोलना है तो इस चेन इसको यूँ पलट कर हमें लगाना है। तो ये फिल्टर इस तरफ खुलेगा, इस चेन को हल्का सा खींचेंगे तो ये फिल्टर उस बाजू खुल जाएगा। देखिए अब ये फिल्टर खुल रहा है। इस तरीके से देख सकते हो अब ये फिल्टर खोलेंगे हम। इस तरीके से तो देखा आपने, ये पुलर मैंने बनाया है इजीली। ये इसका कोर्स अराउंड मुझे 100 रुपीस पड़ा है ये वेल्डिंग, और ये तो मेरे पास पुराना ही पड़ा था। तो अगर आपकी भी बाइक में ऐसा फिल्टर बनाना हो, ऐसा पुलर बनाना हो, तो आप बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर साइलेश। थैंक यू वेरी मच।